प्रमोशनल इवेंट के दौरान मीडिया पर भड़कीं तापसी पन्नू, कैमरामैन से फोटोज को लेकर तापसी ने की बहसबाजी। बॉलीवुड और टॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू जितना अपने एक्टिंग स्किल्स को लेकर जानी जाती हैं, उतना ही अपने बोल्ड और बेबाक बयानों को लेकर भी मीडिया की सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही में तापसी पन्नू अपने फिल्म को बॉयकॉट करने की बात करती हुई भी नजर आई थी। तापसी ने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कहा था कि प्लीज मेरी फिल्म को भी बॉयकॉट करके ट्विटर पर ट्रेंड करवाओ, आमिर और अक्षय के फिल्म की तरह। तो वहीं अब तापसी एक बार फिर से मीडिया के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं। इस बार तापसी मीडिया के साथ बेवजह की बहस करती दिखी। दरअसल तापसी मुंबई के एक बड़े कॉलेज में अपने फिल्म का प्रमोशन करने पहुंची थी, जहां मीडिया तापसी की फोटोज और वीडियोस के लिए घंटों उनका इंतजार करती रही। लेकिन तापसी इवेंट पर काफी लेट पहुंची। इस पर जब फोटो जर्नलिस्ट ने मीडिया से थोड़ा रुक कर फोटो क्लिक करवाने की गुजारिश की, तो तापसी नहीं रुकी। कैमरामैन ने जब उनसे कहा कि वो उनके लिए ही अब तक रुके हुए थे, इस पर तापसी ने कहा, मैंने मीडिया को नहीं रोका है। इस दौरान एक कैमरामैन तापसी की फोटो क्लिक करने लगा। इस पर भी तापसी भड़क गई और जमकर मीडिया पर बरस पड़ी। तापसी ने कहा, कुछ भी हो, हमेशा एक्टर ही गलत होता है। मैं अपना काम कर रही हूँ और आप अपना काम कीजिए और मुझसे तमीज से बात कीजिए, मैं आपसे तमीज से बात करूँगी। मैंने मीडिया को नहीं रोका है। आपको बता दें कि तापसी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दोबारा के प्रमोशनल इवेंट में बिजी चल रही हैं। तापसी की ये फिल्म इसी महीने 19 अगस्त को रिलीज हो रही है। तापसी अपनी इसी मूवी का प्रमोशन करने पहुंची थी। मीडिया के साथ बहसबाजी के बाद तापसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वेल, तापसी के इस एटीट्यूड पर आपकी क्या राय है? क्या तापसी ने ये सब जानबूझकर फिल्म को बॉयकॉट किए जाने के लिए किया है? आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एस्टेरिया।